सादा व ताजा अल्पाहार ब्रह्मचर्य और भोजन में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। भोजन के महत्व को बहुत लोग नहीं जानते, इस कारण उन्हें अत्यंत दुख उठाना पड़ता है। जिसे ब्रह्मचारी बनना है उसको सादा और अल्पाहारी अवश्य ही बनना होगा। अधिक भोजन करने वाला 7 जन्म में भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। क्योंकि जोर की आंधी जैसे पेड़ों को उखाड़ डालती है, वैसे ही कामदेव पेटू मनुष्य को पटक पटक कर मार डालता है। अधिक भोजन करने वाला पुरुष किसी हालत में वीर्य नहीं रोक सकता है। उसका चित्त सदा विषय की ओर लगा रहता है। मन और तन दोनों रोगी बन जाते हैं, आयु घट जाती है और स्वार्थ व परमार्थ दोनों मटिया मेट हो जाते हैं। यदि आपको वीर्यवान व आरोग्यवान बनना हो, स्वप्न दोष से और अकाल मृत्यु से बचना हो, तो आपको अवश्य ही सादा और अल्पहारी बनना होगा। एक समय ईरान के बादशाह बहमन ने एक श्रेष्ठ वैद्य से पूछा, दिन रात में मनुष्य को कितना खाना चाहिए? उत्तर मिला, 100 दिरहम अर्थात 39 तोला। फिर पूछा, उससे क्या होगा? हकीम बोला, शरीर पोषण के लिए इससे अधिक नहीं चाहिए। इसके उपरांत जो कुछ खाया जाता है वह सिर्फ बोझ ढोना और उम्र को खोना है। यह सिद्धांत है कि आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, क्रोध, कलह आदि बातें जितनी बढ़ाई जाए उतनी ही बढ़ती जाती है और जितनी कम की जाए उतनी ही कम होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, एक बार हल्का आहार करने वाला महात्मा है, दो बार संभल करके खाने वाला बुद्धिमान व भाग्यवान है और इससे अधिक बेअटकल खाने वाला महामूर्ख, अभागा और पशु से भी अधम है। सच है, गले तक खूब ठूस ठूस करके खाना और फिर पछताना, कौन बुद्धिमानी है? यह क्या भाग्यवान के लक्षण है? भोजन सुख के लिए खाया जाता है या दुख के लिए? जिस भोजन से दुख ही उपजता है उस भोजन को विष तुल्य ही समझना चाहिए। भोजन तारता भी है और मारता भी है। अधिक भोजन से मनुष्य जीते ही मुर्दा और बेकार बन जाता है। भक्त वामन कहते हैं, अधिक वायु से भरण से फुटबॉल फट जाए, बड़ी कृपा भगवान की पेट नहीं फट जाए। यद्यपि नहीं दिखत उर फटा, फटत मनुज की देह, रोग भयंकर होत है बने नरक के गेह। अतः तंदुरुस्ती के लिए खाओ, रोगी बनने के लिए मत खाओ। जो कुछ खाओ जीने के लिए खाओ, मरने के लिए मत खाओ। बहुत भोजन करने वाला बहुत जल्द मर जाता है। अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर मैकफायर्ड कहते हैं, आजकल साधारणतः लोग भोजन के बहाने जितने पदार्थों का सत्यानाश करते हैं उसके चतुर्थांश से ही उसका काम बड़े आदर से चल सकता है। अकाल में अन्न के अभाव से लोग उतने नहीं मरते जितने कि सुकाल से अधिक अन्न खाने से तरह तरह के रोगों से मर जाते हैं। देश में दुष्काल भी पेटू लोगों की कृपा से ही पड़ता है। अतः पेटू मनुष्य को स्वयं, अपना तथा देश का भी बैरी समझना चाहिए। अरे गरीब लोग बेचारे भोजन न मिलने से मर जाते हैं और धनी तथा पेटू लोग अधिक खाने से मरते हैं। देश में प्लेग और कॉलेरा भी पेटू लोगों के कारण ही होते हैं, क्योंकि पेटू मनुष्य बहुत गंदे होते हैं। कमाना, खाना और पखाना, यही उनके इस संसार के 3 मुख्य काम होते हैं और अंत में खाते खाते ही मर जाते हैं। पेटू मनुष्य सदा दुखी,
आलसी, रोगी और अल्पायु बना रहता है। देश में जब कोई रोग फैलता है तब पेटू मनुष्य सबसे पहले काल का शिकार बन जाता है और इस बात का अनुभव हैजा के दिनों में प्रत्यक्ष होता है। हैजा की बीमारी सबसे अधिक भोजन करने वालों को ही होती है, केवल अल्पाहारी पुरुष ही बच सकते हैं। अतः सज्जनों, अधिक भोजन करना परोपकार के लिए नहीं तो स्वार्थ के लिए अर्थात अपने उद्धार के लिए अवश्य छोड़ दो। सिर्फ जितना पचा सकते हो उतना ही खाओ। इससे एक और भी ज़्यादा खाना मानो अपनी आयु एक एक दिन कम करना और अकाल में काल के मुंह में जाना है। श्री मनु महाराज कहते हैं, अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग चाति भोजनम अपुण्यम लोक विदिष्ट तस्मात् परि वर्जयते वर्जयेत। अति भोजन रोगों को बढ़ाने वाला, आयु को घटाने वाला, नरक में पहुंचाने वाला, पाप कराने वाला और लोगों में निंदित करने वाला है। यानी फला मनुष्य बड़ा पेटू है, इस प्रकार की बदनामी कराने वाला है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि किसी बढ़िया पदार्थ के फेर में पड़कर जरूरत से अधिक कदापि न खाए, क्योंकि वैसा करना निरा अधर्म है। पेटू मनुष्य आत्महत्यारा कहा जाता है। पेटू मनुष्य की धर्म बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाती है। और वह हठात पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। संपूर्ण पाप की जड़ अधिक भोजन करना ही है। अधिक भोजन से ही काम, क्रोध, रोगादि अधिक प्रबल बन जाते हैं और कम भोजन से वे कमजोर बन जाते हैं। इस गंभीर सिद्धांत को जानकर महर्षियों ने शास्त्रों में उपवास का महत्व का वर्णन किया है। भक्तदास वामन प्रश्नोत्तर में कहते हैं, निकम्मा कौन है? पेटू महापुरुष की क्या पहचान है जो अपने को सबसे छोटा समझता है? महापुरुष कैसे बने? मन को वश करने से। मन कैसे वश में हो? कम खाने से। कम खाना कैसे सीखे? आहार को थोड़ा थोड़ा घटाने से। आहार कैसे घटे? रोज सादा और प्राकृतिक भोजन करने से। सादा भोजन कैसे प्रिय लगे? भूख के समय खाने से और प्रत्येक ग्रास कौर को खूब अच्छी तरह चबाने से। भूख के समय खाने से और प्रत्येक ग्रास यानी कौर को खूब अच्छी तरह चबाने से। भूख का समय कैसे जाने? नियम बांध लेने से और बीच में कुछ भी न खाने से। सचमुच प्रकृति के अनुसार चलने ही से हम पेटूपन से और तजन्य अनंत विकारों से बच सकते हैं। भोजन में 100 प्रकार की चीजें रहने से मनुष्य अक्सर ज्यादा खा लेता है और फिर 100 प्रकार से 100 विकार अवश्य ही उत्पन्न होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध डॉक्टर हर्न कहते हैं, मनुष्य जितना खा लेता है उसका तिहाई हिस्सा भी नहीं पचा सकता। बाकी पेट में रहकर रक्त को विषैला और असंख्य विकार पैदा करता है जिससे प्राण शक्ति का दोहरा नाश होता है। एक तो इस फालतू भोजन को पचाने में और दूसरा उसको बाहर निकालने में। यदि मनुष्य भोजन कम प्रकार के खाए, नमक मिर्च मसाला से रहित सात्विक भोजन करे, प्रत्येक ग्रास को खूब महीन पीसकर चबाकर खाए, शांति रखे और जितना पचा सके उतना ही खाए, तो ब्रह्मचर्य को बड़ी आसानी से धारण कर सकता है और 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। इसी के बल पर प्रसिद्ध अमेरिकन पत्रकार एडिसन कहते हैं कि मैं 100 वर्ष पर्यंत अवश्य जीवित रहूंगा। इफ यू कैन कॉन्कर योर टंग ओनली,
यू आर श्योर टू कॉन्कर द होल बॉडी एंड माइंड इजिली। इफ यू कैन कॉन्कर योर टंग ओनली, यू आर श्योर टू कॉन्कर द होल बॉडी एंड माइंड इजिली। यदि तुम सिर्फ जिह्वा को वश में करो तो तुम्हारे मन और शरीर अनायास वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिह्वा को संस्कृत में रसना कहते हैं, क्योंकि वह श्रृंगार शांत आदि सभी नव रसों को उत्पन्न करने वाली है सात्विक भोजन से शांत रस उत्पन्न होता है। राजसी भोजन से श्रृंगार रस, तामसी भोजन से विभित्स रोगाद्री रस उत्पन्न होते हैं। जो रस अधिक बलवान होता है, संपूर्ण रस उसी के अधीन होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आहार शुद्धो सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथि विप्रमोक्षः, छांदोग्य उपनिषद। अर्थात आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, सत्व शुद्धि से बुद्धि निर्मल और निश्चयी बन जाती है, फिर पवित्र व निश्चयी बुद्धि से मुक्ति भी सुलभता से प्राप्त होती है। अतः जिन्हें काम क्रोधादि से मुक्त होना है, उन पर विजय प्राप्त करना है, उन्हें चाहिए कि वे नित्य नियमित समय पर सात्विक आहार किया करें, क्योंकि कहा है कि एज मैन इटेथ सो बिकमेथ। जैसा मनुष्य भोजन करता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि मनुष्य को 2 साल पर्यंत लगातार सादा अर्थात सात्विक आहार किया करेगा तो उसकी कुरबुद्धि आपसे ही आप नष्ट हो जाएगी, इसमें ईश्वरीय तेज प्रकट होने लगेगा। कुछ ही दिनों तक अभ्यास करके देख लीजिए। यदि मनुष्य 2 साल पर्यंत लगातार सादा भोजन अर्थात सात्विक आहार किया करेगा तो उसकी कुबुद्धि आपसे आप नष्ट हो जाएगी, उसमें ईश्वरीय तेज प्रकट होगा। कुछ दिनों तक अभ्यास करके देख लीजिए। सात्विक आहार जो ताजा, रसयुक्त, हल्का, स्नेहयुक्त, स्थिर, न्यूट्रिशियस, मधुर और प्रिय हो, जैसे गेहूं, चावल, सौ, जौ, साठी, मूंग, अरहर, चना, दूध, घी, चीनी, सेंधा नमक, रतालू, शकरकंद, शुद्ध वे पक्के फल, इसको सात्विक आहार कहते हैं। रासिक आहार अत्यंत उष्ण, कड़वा, तीता, नमकीन, अत्यंत मीठा, रूखा, चरपरा, खट्टा, तेलयुक्त, दोषयुक्त, गरिष्ठ, जैसे पूड़ी, कचौड़ी, मालपुआ, खट्टा, लाल मिर्च, तेल, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर, शराब, चाय, काफी, डाफी, कॉकीन, चरस, चंडू, इनको राशि आहार कहते हैं। राशि आहार से मन चंचल, कामी, क्रोधी, लालची और पापी बन जाता है। रोग, शोक, दुख, दैन्य बढ़ते हैं और आयु, तेज, सामर्थ्य और सौभाग्य रोग के साथ घट जाते हैं। राजसी पुरुष कदापि ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है तामसी आहार में राजसी आहार आता है, परंतु उसके अलावा जो बासी, रसहीन, गंदा हुआ दुर्गंध और जैसे एक साथ तेल व घी के पदार्थ खाना वगैरह द्रुणित व निंद होता है, इसको तामसी आहार कहते हैं। तामसी आहार से मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस बन जाता है। ऐसा पुरुष सदा रोगी, दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, आलसी, दरिद्र, अधर्मी, पापी और अल्पायु बन अंत में नरकगामी होता है। गीता 70 अध्याय। अतः जिन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपना उद्धार करना है, उन्हें चाहिए कि राजसी तामसी आहार को छोड़कर देवी तेज बढ़ाने वाला सात्विक अल्पाहार आज से ही शुरू कर दे। परंतु यह ध्यान में रहे कि सात्विक भोजन भी बासी हो जाने पर तामसी बन जाता है और अधिक खा लेने पर राजसी, इतना ही नहीं बल्कि प्राण हरण करने वाला महान तामसी भी बन जाता है। अतः अल्पाहार सात्विक आहार कहा जा सकता है। भोजन अच्छी तरह से कुचल कुचल कर खाना चाहिए, यही प्रकृति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है।